अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा बुखारी। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि तब्दीली सरकार को आए हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन 2 साल बाद सूरत हाल ये है। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब वो तब्दीली नहीं ला सके जो उन्हें लाना चाहिए थी। क्या 2 साल बाद इमरान खान साहब क्या हकीकी तौर पर वो परफॉर्मेंस दिखा सके हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी? क्या वो या फिर आवाम ये समझते हैं कि वो तब्दीली नहीं ला सके? दूसरी बात यह कि इस हवाले से इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली APC में शरीक हुक्मरानों ने हुकूमत पर और हुकूमती कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की है और इसे नाकाम करार दिया है। मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत मुस्ताफे हो जाए। ताहम जानेंगे हम आवाम से उनकी राय, क्योंकि आवाम से बेहतर जज कोई नहीं हो सकता। चलते हैं आवाम की तरफ। जी, इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के बारे में, कि हुकूमत की ये जो 2 साल कारकर्दगी है वो कैसी रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तो हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी कैसी रही आपके ख्याल? बज़ाहिर तो ऐसा है कि बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं है इनकी। ख़ास तौर पर वो इसकी वजह ये है कि जितने भी हुकूमत ने दावे किए ना, उसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की उसके अंदर ना उसमें कामयाबी नहीं हुई। और कल के बारे में मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि उसमें मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि इतनी फ़ौज के बारे में खुलम खुला जो बातें हुई हैं, शायद ही हुई है, तो इस बारे में ना सोचना चाहिए हमारी एजेंसियों को भी, फ़ौज को भी, हुकूमती पॉलिसियों को भी, कि मुल्क के अंदर क्यों तकसीम किया जा रहा है इस बात को ना। तो इसमें राय है कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है इस वक्त ना, मुल्क के मफाद में नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आपने सारी पार्टीज़ को एक साइड पर कर दिया है तो कुछ ना कुछ ऐसा मामला होना चाहिए कि कुछ सही तरतीब से चले। अब एक अजीब अफरा तफरी मुल्क में मनाई जा रही है। ये जो आप बात कर रहे हैं आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, तो इस हवाले से भी आप बताएं कि क्या ये आवाम के मफाद में है? क्या कह सकते हैं इसको, आवाम के मफाद में ये है कि आवाम बेचारी खाने पीने से इस वक्त बहुत ज़्यादा तंग है, बहुत ज़्यादा हर मामले के अंदर तंग है, तो इसका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए इस वक्त ना। जी, हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। तो जी सर, आप बताइए कि हुकूमत की दो साल जो कारकर्दगी है, आप उससे मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन है। तो जी, इमरान खान ने बहुत से वादे किए थे कि हम इसको मदीने की रियासत बना देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, इस हवाले से भी थोड़ा सा बात? अभी बेहतरी हो रही है ना, एकदम तो नहीं होगी ना, अलादीन का चिराग तो नहीं उसके पास जो एकदम हो जाएगा, टाइम लगता है। इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया तो वो 2 साल में कैसे करेगा, बात ये। तो ये जो APC कल सारी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इस हवाले से आप थोड़ा सा बता दें। हाँ जी, आल डाकू पार्टी हुई है सारी कॉन्फ्रेंस, वो अपनी सिर्फ करप्शन बचाने के लिए हुई है, कुछ भी नहीं है, किसी अवाम के लिए नहीं, वो निकले सब झूठ है। वो मियाँ साहब उधर बैठे हुए हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये हुकूमत के खिलाफ है। इमरान खान बहुत अच्छा कर रहे हैं, इमरान खान साहब तुन के रखो इन्होंने। जी, आपने लोगों के तासुरात जाने, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या कहें, ये 2 साल हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस हवाले से आप बात करें। क्या कारकर्दगी आप मुझे बताएं, कुछ आप बता देना कि क्या है ये। हम आपसे आपकी राय जानने आए हैं, आप अवाम में, आप अच्छे जज हैं, आप। मैं मीडिया से सवाल करता हूँ, आप एफर्ट बताएं ना कि कोई 2 साल ऐसी कोई ऐसी चीज बताएं हुकूमत की के जो सामने अवाम के सामने आई। हम मीडिया है, हम आपकी आवाज अवाम। मुझे तो कुछ भी नहीं हुकूमत तक बचा, हुकूमत में क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। जो जितने प्रोजेक्ट थे सारे वहीं के वहीं सील पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। कोई ऐसी एक एफर्ट बता दे इनकी, मुझे बताएंगे की भाई ये वर्क हुआ है यहाँ पे। और ये जो सारी ओपोजिशन मिल के बैठी है कि हुकूमत को गिराना है, तो आपके का ये ख्याल है कि वो हुकूमत गिरा सकेंगे? ये तो यूं ही चलता रहा है, पिछले 1952 से लेके अब तक यही सिस्टम चल रहा है और यूं ही चलता रहेगा। एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे, वो नीचे वो ऊपर, यही चलता रहेगा। एस्टेब्लिशमेंट है सारा कुछ करने वाली, और तो कुछ भी नहीं कर सकता कोई। तो ये अभी बलदियाती इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस हवाले से आप बताएं कि आप किसको वोट देंगे? जो भी होगा हमारे लिए, जो वर्क करेगा उसी के लिए वोट दी जाएगी, और किसको वोट दी जाएगी? जिन पुरानों को दिया उन्होंने तो कोई वर्क नहीं किया है, आपके सामने है उनके, इनको तो कोई वर्किंग नज़र नहीं आ रही है। ज़ाहिर है कोई नया आदमी लेके आएंगे जो वर्क करेगा हमारे लिए, हालात आपके सामने हैं, सारा कुछ आपने देखा हुआ है, तो उसमें देख लिया आप, कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं नज़र आया, महंगाई उसी तरह ही है, बाकी आप देख लें मसले मसाइल आपके सामने ही हैं जो भी हैं। तो आम आवाम का जब फ़ायदा पहुंचना शुरू होगा, रिलीफ मिलना शुरू होगा, तभी बंदा कुछ कह सकता है ना। तो अंकल, ये जो कल APC बैठी है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या वो हुकूमत को गिरा सकेंगे? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है सच कुछ तरह की कोई चीज़ हो,
अपने मफादात के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। मज़ा तो तब है आवाम के लिए या मुल्क के लिए इकट्ठे हों तो फिर बंदा कुछ कह सकता है। तो आपके ख्याल में कि इमरान खान को 5 साल पूरे देने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए उनको अपने, ताकि वो परफॉर्मेंस तो अपनी शो कर सके ना। जी हम इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी के एक बाज़ार में, आवाम से पूछते हैं कि उन्होंने कैसा महसूस किया ये 2 साल जो हुकूमत की कारकर्दगी है उस पर उनका बिज़नेस कैसा रहा? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बिज़नेस है, क्योंकि ये लॉकडाउन जो हो गया ये तो अल्लाह की तरफ से था ना, मायूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ तो नहीं था, ये तो आल दुनिया में कोरोना आया ना, उसकी वजह से सब मुल्कों का नुकसान हो गया, लेकिन हमारा पाकिस्तान का जो है ना इसके भी बहुत नुकसान हो गया, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह की तरफ से था। और जो आजकल जो पाकिस्तान का कोरोना का तादाद कम हो गया, तो अभी पाकिस्तान में जो पार्टीज अपोजिशन की पार्टी नून वगैरह जो सारी पार्टीज़ मुकम्मल इकट्ठा हो गया इमरान खान के लिए, ठीक है कि इसको गिराने की कोशिश कर रही है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, ये अच्छी नहीं है कि अब पाकिस्तान में इमरान खान जो आई है ना, ये बहुत अच्छे लीडर है और हमारे सब पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बेहतर है, ताकि अगर इमरान खान जो है ना हुकूमत 5 साल तक पहुँचाएगा तो पाकिस्तान में बहुत कामयाबी आएगा, क्योंकि नज़र आता है अभी पाकिस्तानियों को। शुक्रिया। तो आपने इमरान खान के जो वादे थे उस हवाले से आप क्या कहेंगे, मदीना की रियासत, नौकरियां और ये जो घर उन्होंने आवाम के लिए बोला था, तो इस हवाले से बताएं कि उन्होंने जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे किए इन 2 सालों में? असल की बात ये है ना कि पाकिस्तान का मशियत जो है ना वो थोड़ा सा नीचे गया था, जब इमरान खान आया ना तो इख्तदार में, तो इमरान खान ने कामयाबी के साथ अपना आगाज़ शुरू किया, इंशाल्लाह अज़ीज़ इसमें कम से कम टाइम तो लगेगा ना, 2-3 साल और भी लगेगा, तो इसीलिए पाकिस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है, कोई छोटा मुल्क तो नहीं है, 20 से ले लो 22 तक का आवाम जो है ना, 22 करोड़ आवाम है हमारे पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह हम सारे मुत्तहिद हैं, हम भरपूर कोशिश करेगा, आवाम भी हुकूमत के साथ मिलेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे बढ़ाएगा। तो हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 2 साल कारकर्दगी कैसी रही भाई कुछ भी नहीं सही नहीं रही सही नहीं रही आपके ख्याल में सही नहीं है तो ये जो अपोजिशन बैठी हुई है कि क्या वो हुकूमत गिरा पाएंगे? जी गिरा पाएंगे। तो आप एक इस पाकिस्तान में जमहूरियत को कम टाइम दिया गया है, तो आपके ख्याल में इमरान खान को 5 साल नहीं देने चाहिए? ये मैं उपाय बहुत कीजिए और ये गरीब आवाम जो है वो बहुत परेशान है, इस लिहाज से इसको हुकूमत अगले 5 साल में नहीं मिलेगी। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के बारे में आप? हुकूमत के कारकर्दगी के हवाले से तो कम से कम कोई हालात बहुत ठीक जा रहे हैं, लेकिन बात ये होती है ना महंगाई ज़्यादा है, महंगाई थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो हम भी इस हुकूमत से खुश है, नाराज़ नहीं है, लेकिन बिल्कुल छोर आने को इनको नहीं देना पड़ेगा, दोबारा छोर आएगा तो हमारा फिर ही हालत बनेगा। आपके ख्याल में कि इमरान खान चोर नहीं है तो इस वजह से आप उनको आगे बल दे आती है, इलेक्शन भी हैं उनमें आप इमरान खान को वोट देंगे? हम किसी के नहीं कहते लेकिन चोर है, लेकिन ये एक दूसरे पर खुद निज़ाम लगाते ना जो चोर है, लेकिन तो आगे हम भी बोलते हैं ना, हवा में नाम भी तो बोलते चोर है, आगे हमारे लिए महंगाई है। तो ये जो कल आल अपोजिशन आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बैठी है उस हवाले से आप बताएं कि क्या वो इमरान खान की हुकूमत को गिरा सकेंगे? मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं गिरा सकते, जितना भी इकट्ठा हो जाएगा ना अगर मुश्किल है, जब तक वो अलर्ट ठीक नहीं होगा ना तो वहाँ तक इनका गिराने का कोशिश कोई भी नहीं करेगा, अलर्ट ठीक करके जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो कल नवाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू की, इस हवाले से आप बताएंगे क्या उनकी जो तकरीर थी वो ठीक थी? कोई भी ठीक नहीं था, क्या ठीक था, पहले जितना भी उन्होंने हुकूमत किया ना उन्होंने हमें क्या दिया, कुछ क्या दिया तो कोई पता तो चले ना, अभी जो जो कुछ भी आ रहा है ना तो कम से कम मुश्किल है ना, इसलिए वो मुश्किल बन गया, वरना हालात तो ठीक जा रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल गंदी कारकर्दगी है, दुनिया तंग है, बहुत लोग तंग हैं, इस हुकूमत से बहुत तंग है, इसको जल्द अज जल्द जाना चाहिए बस। जी कल आंटी सारी अपोजिशन मिल के बैठी है तो क्या वो हुकूमत को गिरा पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर मिल के बैठे जरूर गिरा पाएगी। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी कैसी रही? अच्छा जी जी, कुछ भी नहीं, क्या किया उन्होंने नाली, कुछ भी नहीं किया नाली, चोर के अलावा क्या है नाली, चोर है बड़ा नाली नाली। ये 2 साल कारकर्दगी के बारे में आप कुछ भी नहीं किया है, काम लोली पे दे के आ गया, किसी को क्या किया नाली, कुछ भी नहीं किया। जी देखिए ना, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, हालात इतने ज्यादा देखे टफ हो गए हैं,
गरीब आदमी देखें वो तो खाने से भी मुश्किल हो गया, उसके मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया गया है। तो ये खुदारा हुकूमत को चाहिए, हुक्मरानों को चाहिए कि सोच करें, महंगाई को कंट्रोल करें और जो माफियाज़ हैं जो खाने वाले इनको पकड़ें ताकि इनके खिलाफ़ कोई मुस्तकिल लाहे अमल बनाए। यही वो चाहते हैं कि इसीलिए देखें ये पीसी पे बनी है ताकि इसके मामलात पे चलें और ये गौर करें हमारे हुक्मरान। और महंगाई तो देखें ना, अब हालात भी ऐसे हो गए हैं कि कारोबार भी लोगों के कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो ख़रीदारी तभी करेंगे जब उनके हालात सही होंगे या उनको कुछ उनके पास कुछ हालात सेट होंगे, वो ख़रीदारी के लिए निकलेंगे। अब देखें दुकानदार भी खारी बैठे हैं, बिल्कुल फारिग बैठे हैं बेचारे, कारोबार भी नहीं है। तो खुदा रहा इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए इसके बारे में। जी एपीसी तो हुकूमत गिराने के लिए बैठी है, लेकिन एपीसी से आवाम को क्या फ़ायदा होगा आपकी नज़र में? देखें एपीसी तो इसीलिए, वो भी यही कहते हैं ना, उन्होंने भी बात महंगाई की है और उनके मामला दिए कि हुकूमत को इस चीज़ का टाइम देना चाहिए ताकि वो सोचे कि महंगाई पर कंट्रोल करे, आवाम को कोई रिलीफ मिले। और देखें चीनी पे स्कैंडल्स बने हुए हैं, आटे पे स्कैंडल बने हुए हैं, इन चीज़ों का ये जो मामला है इसको कंट्रोल नहीं करेगी हुकूमत कौन करेगा? आवाम को फिर देखें मामला मुश्किल में निकलना पड़ेगा, आवाम मुश्किल हालात में ही निकलती है ना। अब लोगों के पास देखें खाने के लिए रोज़गार, उसके लिए रोज़गार नहीं होगा तो वो खाएँगे कहाँ से? जी तो आप दोबारा पीटीआई को वोट देंगे? जी पहले भी वोट पीटीआई को नहीं दिया था, अभी भी नहीं देंगे, क्योंकि जो हालात है अब तो मुश्किल से ही है, तो ऐसे हालात बन गए हैं अब तो सोचेंगे भी नहीं। पहले तो चले सोच रहे थे कि ये अगर अच्छा करेंगे तो इनको वोट देंगे, अगर अच्छा नहीं हुआ, ये सामने सबके सामने है, आवाम ने भी देख लिया महंगाई बहुत हो गई है, लोग भी परेशान हो गए हैं, बेरोज़गार भी हो गए हैं, लोग बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, तो इसलिए खुदा रहा ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए इसके बारे में ताकि ये कोई लाहे अमल बनाएँ जिसमें आवाम को कुछ अच्छी रिलीफ मिल सके, कोई इनके बारे में उनको सस्ती चीज़ें मुहैया हों। जी शुक्रिया अंकल जी। हमारे साथ कुछ मैम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम हुकूमत की दो साल कारकर्दगी के बारे में आप क्या? आपके सामने है, आप भी तो हमारी जैसे ही हैं, अवाम ही हैं, आपको पता है जो कारकर्दगी है, हम लोग तो बहुत परेशान हैं, जलील ख्वार हो रहे हैं, हमने क्या अब क्या बात करें इस बात पर कि दो साल की क्या कारकर्दगी है, आपके सामने है सब कुछ। आपका हुकूमत से कोई मुतालबा है तो उस वाले से आप बात? मुतालबा है, आए दिन मैं देखती हूँ टीवी पे आप लोगों का, ये जो मीडिया वाले करते हैं, आज तक मुझे बताया कि कोई उस पर अमल हुआ है? आज तक जो भी लोग हम आवाम कुछ ना कुछ कहते रहते हैं लेकिन हुकूमत के कान पर जूं भी नहीं रिंगती। जी इन्होंने मीडिया की बात की तो हम तो इनकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचा सकते हैं, आगे हुकूमत का काम है कि वो उस पर अमल दरामद करवाए। तो मेरी बहन ये आए दिन कितनी क्या कुछ हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, कुछ भी कोई अमल कर रहा है तो हम क्या कहें कि आपके सामने आप भी हमारे जैसे ही हैं, आप भी हमारे जैसे ही दुकानों के से लेके खाती है, आपको पता है कि हुकूमत क्या कर रही है, हम लोगों पर क्या गुजर रही है। जी तो अपोजिशन जो मिल के बैठी है हुकूमत को गिराने के हवाले से, उस हवाले से आप बताएंगे क्या वो हुकूमत को गिरा पाएंगे? हुकूमती लेवल पर बात है, हम क्या कह सकते हैं, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि बात करें कि अपोजिशन क्या कह रही है या क्या कर रही है, हमें इस बात पर क्या करें। उनका कहना है कि हुकूमत ने बहुत महंगाई कर दी है, हुकूमत को अब चले जाना चाहिए। तो चले जाना ही चाहिए, हम भी कहते हैं एक मिनट भी ना लगाए वो जाए। बेटा कुछ भी नहीं, उन्होंने तो जो अमीर थे उनको गरीब कर दिया, जो गरीब थे वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं। देखें जो गरीब लोग हैं वो क्या करें, आजकल रेंट इतने ज़्यादा कर दिए हैं, बिल इतने ज़्यादा हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई काम नहीं है, काज नहीं है, मेरा मियाँ खुद रिक्शा चलाता है और कोई ना पूछे इसको, इमरान खान का तो मैं कहती हूँ बेड़ा ही गर्क हो जाए बस। देखें लोगों का गम वो गुस्से का वो इजहार कर रहे हैं, हमारे साथ अंकल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो कल ओपोजिशन बैठी है हुकूमत को गिराने के लिए, मैं तो कहता हूँ जी ये सब चोर है, इमरान खान जिंदाबाद, बस इमरान खान जिंदाबाद। महंगाई है उन इमरान खान की वजह से नहीं हुई है, पहले भी तो महंगाई है थी ना, अभी कोई इमरान खान आ गए तो नहीं, दो साल में महंगाई कर दी, सब कुछ कर दिया इमरान खान ने, ये सब चोर है, सीधी सी बात है। इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे कि नौकरियां देंगे, घर बनाएंगे, मदीना की रियासत बनाएंगे, दो सालों में थोड़ी सी भी आपको झलक नज़र आई है इस? 70 सालों में उन्होंने भी काफ़ी वादे किए हैं, हमने ये कर देना, ये कर देना, वो कर देना, कुछ भी नहीं किया है। तो इमरान खान अभी 2 साल हो गए, इंशाल्लाह मजीद आगे जो वक्त आएगा इमरान खान कुछ ना कुछ करेगा इंशाल्लाह। तो आगे जो इलेक्शन होने वाले हैं बल्दियाती, तो उसमें आप इमरान खान को वोट देंगे? वोट तो इमरान खान की है, वोट इमरान खान की है,
चाहे इमरान खान अच्छा है चाहे बुरा है, जो कुछ भी है वोट इमरान खान की, मगर इन चोरों के नहीं है। कल सब गठे हो गए हैं, जितने भी ये चोर थे सब गठे हो गए हैं, समझे ना। इमरान खान तो इनके साथ नहीं थे ना, वो सही कह रहा था। अब जो बलदार या थानदार जो भी आया है इन चोरों के लिए आया है जी। तो आप अब बात कर रहे हैं कि ये सारे जो है सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इमरान खान की जो टीम है वो भी तो इन्हीं चोरों में से आई हुई है। इमरान खान की टीम में हैं चोर, मगर इमरान खान नहीं है चोर। इमरान खान की टीम में होंगे, सारे तो नहीं है, कम होंगे, मगर इमरान खान चोर नहीं है। इमरान खान गुड आदमी है। ठीक है, तो इमरान खान अगर चोर नहीं है गुड है, तो इमरान खान को चाहिए कि वो अपनी टीम में से चोरों को निकाले, लेकिन वो क्यों नहीं निकाल रहा? निकाल रहे, काफी निकाल रहा है। समय ना उस दिन निकाले तो होंगे ना, काफी निकाले होंगे। जो उसे गलत आदमी नजर आ रहा है वो निकाल रहा है जी। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी कैसी रही? कारकर्दगी तो सिफर है, महंगाई अरूज पे पहुंच चुकी है। दूसरा, मैं इमरान खान को ये कहना चाहता हूँ कि खदारा कम अज़ कम जो मिडिल तबके के लोग हैं, कुछ सिक्योरिटी वाले हैं, मैं एक सिक्योरिटी वाला हूँ, सिक्योरिटी कंपनी से चल रहा है मेरा, तो उसने ये कहा था, नोटिफिकेशन जारी कर दिया था जी कि 17,000-17,500 सेलमैन दुकानदार और सिक्योरिटी वाले जो हैं वो उनको ये देंगे, हमें नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़, अगर ये वज़ीर आज़म है ना, तो इसको पता होना चाहिए यहाँ के मसला क्या है। ये इंग्लैंड करने वाला तो नहीं है ना, इधर का रहशी है, तो इसको पता होना चाहिए। और मैं इससे गुजारिश करता हूँ कि जो मिडिल तबके के फर्ज करते हैं सेलमैन हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो भी हैं, उनको उनकी तनख्वाह कम अज़ कम इस महंगाई के तूफान में 20,000 होनी चाहिए। ये आपकी मेरा पैगाम उन तक ऑनलाइन जाता है या बाद में आप करेंगे, ये उन तक पहुँचना चाहिए, ठीक है कि नहीं। बाकी जो बड़े काम हैं, जो बात जो जिन्होंने खाया है ये करप्शन जिन्होंने की है, वो तो ठीक करता है, उन पर हाथ डालता है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जो गरीब आटा चीनी चावल खदारा करके इनके ऊपर जो है ना वो कंट्रोल करें, अल्लाह ताला करके नियत जो नियत लेके ये आए थे, तो एकदम तो नहीं तब्दीली आ सकती है, ये तो आराम से ही आएगी ना। एक तो बात यह है कि इमरान खान जो है ना इन हालात को जो है ना मद्देनजर रखते हुए कम अज़ कम ये गरीब आवाम के ऊपर रहम करम करे, महंगाई कंट्रोल कर दे कम अज़ कम, ये बड़ी बात है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी। तो इस हवाले से अंकल से पूछते हैं कि जो ओपोजिशन ओपोजिशन जो कल मिल के बैठी है, तो इस हवाले से आप क्या बताएंगे कि वो क्या वो हुकूमत की राह पाएंगे? हुकूमत की राह नहीं, वो सही काम करेगी तो फिर है ना, अगर सही नहीं काम करेगी फिर कैसे रहेगी। तो ये हुकूमत जो सारे ओपोजिशन मिल के बैठी है, तो आपके ख्याल में वो गिरा पाएंगे हुकूमत को? नहीं, गिरा तो पाते हैं, जब 5 उंगलियाँ एक जैसी हों तो फिर पकड़ हो जाती है ना, 1 उंगली तो नहीं ना फिर काम करती। चलो उसकी मुकद्दर है, अभी चल रहा है, जब तक चल रहा है वो उसको बेहतर करना चाहिए। और हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के हवाले से आप क्या? बहुत मुश्किल है, मुझे निकाल दिया यूनिवर्सिटी से पिछले महीने। मैं काम करता हूँ, मैं अमेरिका की कंपनी में 9 साल लगा के आया, मैं कारपेंटर हूँ, मुझे इन्होंने निकाल दिया। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे वाइस चांसलर मुझे रखे, मैं सेट बनाता हूँ, मुझे 500-600 रुपये में मैं लेबर में था, मुझे रखना चाहिए और मुझे क्यों निकालना। मैं ये कहता हूँ कि मैं काम करता हूँ, मैं सही काम करता हूँ, तो मुझे उसको रखना चाहिए। अंकल आपने भी बोला मुझे क्यों निकाला, तो नवाज शरीफ ने भी बोला था मुझे क्यों निकाला, तो इस सवाल करता हूँ ना, 600 रुपये में काम करता हूँ लेबर में, मैं लुटेर होके फिर मैंने इसलिए अच्छा काम करता हूँ, मेरे पास डिप्लोमे हैं, अमरीका का रामको में मैं काम करके आया हूँ, इसलिए मुझे रखना चाहिए, मैं काम करता हूँ। एक हुनरमंद को निकाल देना अच्छी बात है, 500-600 रुपये मेरी घर चलता था, मेरा घर नहीं चलता, मेरे बच्चे हैं, मैंने दूसरी शादी की, मेरे दो बेटे हैं, वो मैं दूसरों का फीस देता हूँ, 3 महीने की फीस नहीं दी है। शुक्रिया अंकल। हमारे साथ एक मैम है, उनसे बात करते हैं कि हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी कैसी रही? उनकी कारकर्दगी ये है कि उनका मकसद था नया पाकिस्तान बनाना, उन्होंने नया पाकिस्तान बना दिया, उन्होंने अपना मकसद पूरा किया, नए लोग मार के मशनू लोग पैदा कर दिए, ना वो खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना चल सकते, उनमें कोई हिम्मत नहीं, और उसका मकसद पूरा हो गया, वो अपनी जेबों में सब भरा और वो सोए हुए, बस ये है उसने नया पाकिस्तान। हुकूमत का जो ये 5 साल है वो मुकम्मल कर पाएगी या ओपोजिशन हुकूमत की राह देगी? अगर ये 5 साल मुकम्मल कर लेगी तो जो मशरू लोग हैं वो भी मिट जाएंगे, बस वो अपने अपने खत्म हो, और ये नए पाकिस्तान में एक भागता हुआ फिरेगा घूमता हुआ। 5 साल ये भी पूरे करेगी और अगले भी 5 साल इसी के होगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से।
इमरान खान की, इमरान खान जिंदाबाद। काम है उनकी ज्यादातर मुतालबा यही था इमरान खान साहब से कि महंगाई को कम किया जाए। तैशा बुखारी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।